व्हाइटफील्ड इंडस्ट्रीज मेयर और शहर के दूसरे ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अपने शहर के लोगों की अच्छी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। हमारी इस ग्रेट सिटी को बीमारियों ने घेर लिया है। पूरे शहर में बॉस्टन प्लेग के फैलने का खतरा पैदा हो गया है, पर हम मदद के लिए तैयार हैं। हमने प्योर और फ्रेश व्हाइटफील्ड हाइड्रोप्योर ड्रिंकिंग वाटर की आउटपुट बढ़ा दी है और जल्दी ही हम मार्केट में ऑर्गेनिकली उगाए गए प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज उतारने वाले हैं, जिसे सींचा गया है प्योर और फ्रेश व्हाइटफील्ड हाइड्रोप्योर से। आज के इन हालात को देखते हुए व्हाइटफील्ड इंडस्ट्री न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की हेल्थ के लिए कमिटेड है। मैं हूं पीटर व्हाइटफील्ड, चाहता हूं कि आप ट्राई करें हाइड्रोप्योर वाटर फॉर लाइफ। ओके, तुम तैयार हो? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 12:15 पर गार्ड नॉर्थ ईस्ट चेक पॉइंट पर एक राउंड लगाता है। जो सेक्शन G12। ओके। मिस वॉलर्स, फाइनली आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर, आप वाटर रिसोर्सेज से हैं, तो इसी वजह से आपको पता चला उस कंस्पिरेसी का। तुम अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचो, मैं अभी आया। वेल, आई यहीं, हम यहीं मिलेंगे। या हेल्प यू? मेरे अपने ऑफिस में नहीं है सर। सर, आखिर वो है कहाँ? मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूँ। आपके लिए कॉल। साउथ एग्जिट की तरफ जाओ। सब लोग साउथ एग्जिट की तरफ पहुंचो। चलो चलो चलो। मेयर को गोली लगी है, मुझे फौरन यहाँ एक मेडिकल टीम चाहिए। मेरे साथ यहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स हैं। शूटर एलिवेटर 6 में है, सारे एग्जिट सील कर दो। लेट्स गो। वो आदमी की तरफ भागा है।
ध्यान किया, ब्राउन जैकेट और खाकी पैंट पहने हुए हैं। तो हथियार बंद है और खतरनाक है। हमारा ख्याल है वो सेकंड फ्लोर पर ही होगा। I got it. चलो, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। तुम ऐसा मत कहो। कम से कम हमारे पास सबूत तो है। बोलो, है ना तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास सबूत है। तो समझो काम हो गया। चलो, तुम हिम्मत मत हारना, समझ गए? कौनी? हिम्मत मत हारना। कौनी? अपने हाथ ऊपर कर लो। धीरे धीरे बाहर आओ, वो गन वहीं पड़ी रहने दो। तुम लोग तो खत्म ही नहीं होते। आज तुम आ गई हो मरने के लिए, और वो भी बिल्कुल अकेली आई हो। तुम लोगों के लिए तो सिर्फ एक ही काफी है। तुम मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। तुम्हें जिंदा पकड़ना ही कौन चाहता है? उस मात के पास मेरी पिस्टल है। गो गो गो! सभी यूनिट सिटी हॉल में पहुंचे, जल्दी। क्या हो गया? शेर बकरी पैदा करने लगा? नहीं तो क्या तुम्हें वो दो सर वाली गाय मिली? हे, क्या आप जानते हैं एरिया 51 को? मुझे वहाँ एलियंस ने पकड़ रखा था। मैं अभी भी भाग कर आई हूँ। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एलियंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे वाईफाई पर पेट सिमेट्री से मैसेज आ रहे हैं, और मेरा मरा हुआ कुत्ता कह रहा है कि एक दूसरी दुनिया भी है। तो पेट सिमेट्री केस को फॉलो करने से कोई फायदा नहीं है ना बेन? ओह कार्ला, वो आदमी ये समझता है कि उसके टॉयलेट में कॉकरोचेस ने जबरदस्त धावा बोल दिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक केस पर सीरियसली काम करो? वेल, हम एक तो चला ही सकते हैं, और ये इस पर डिपेंड करता है कि हम न्यूज़पेपर की रेपुटेशन को कितना खराब करना चाहते हैं। और तुम्हारी रेपुटेशन भी बेन? मुझे नहीं लगता कि मेरी रेपुटेशन को कुछ होने वाला है। हो सकता है जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है। लोगों को घोस्ट स्टोरीज पसंद है। क्या मैंने कोई धर्म खाता खोल रखा है? ये सब इतना ही बुरा है तो फिर तुम यहाँ पर हो क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है मैं आदतों का शिकार हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ बेन कि तुम इस न्यूज़पेपर के लिए कुछ करो। वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। मेयर को अभी अभी गोली लगी है, और आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं मालूम। लोगों को बस दो तरह की स्टोरीज पसंद आती हैं, कुछ ऐसी जो उनमें खौफ पैदा करें, और कुछ ऐसी जिसमें वो खुद नहीं फंसना चाहते, और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते। और यही सब मिस्ट्रीज ऑफ साइंस उन्हें देने की कोशिश करता है। कार्ला, मैंने इस तरह से तो कभी नहीं सोचा था। मिस्टर व्हाइटफील्ड, क्या आपको लगता है ये टेररिस्ट का काम है? टेररिज्म? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको मालूम होगा या शायद ना मालूम हो कि हम लेट मेयर की हेल्प से कोशिश कर रहे थे कि हर परिवार को प्योर वाटर और प्योर फूड मिल सके, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर। क्या कहते हो? ग्रोथ? नहीं, ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन चीज असली है। अप्रूव्ड। देखना कि फ्राइडे तक शिपमेंट भेजने के लिए हमारे पास काफी माल हो। रुको, मैं जानता हूं कि शायद तुम्हें ह्यूमन फ्लेश अच्छा ना लगे, लेकिन हम तुम्हें खिलाकर रहेंगे। हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। एक गलती, एक छोटी सी गलती हुई और हमारा राज खुल सकता है, जो हमें मार सकता है, हमें तबाह कर सकता है।
ह्यूमन स्किन जल्दी ही वापस आ जाएगी। चुपचाप पड़े रहो। माइक, मैं तुमसे मेयर की ऑटोप्सी रिपोर्ट फैक्स करने को तो नहीं कह रही हूँ ना। कम ऑन, बात को समझो। क्या कोई और भी घायल हुआ है? माइक, माइक। थैंक्स फॉर योर टाइम। हाय। नहीं जानता था कि तुम रात को भी लगी रहती हो। अब पता चल गया। एक्चुअली मैं जानता था कि तुम यहाँ हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? Well, वो मेयर वाला किस्सा, वो काफी बड़ी स्टोरी है और ऐसी स्टोरीज तो रोज रोज नहीं मिलती हैं। मुबारक हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरे लिए गुड लक चार्म हो, समझे? अब तुम ऐसा क्यों मानोगे लीजा? हा? हाँ, well, तुम्हारी वजह से ही तो आज मैं यहाँ हूँ, इस बिल्डिंग में, इस शहर में, और तुमसे बात भी कर रही हूँ। वाह, कितनी मतलबी हो। ये सच है, लेकिन ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मुझे एक मौका और दो लीजा। मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन हम कॉफ़ी पी सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एनीथिंग। एक और मौका दूँ किस लिए? टू बी फ्रेंड्स, टू बी लवर्स। वैसे भी मुझे कोई ऐसा चाहिए जो वक्त पड़ने पर मेरे साथ हो। It's too late, Ben. Oh. Nice one, Ben. कहाँ है वॉलेस? कहाँ है वो? वो सपनों की दुनिया में घूम रही है। तुम उसके ऑफिस में क्या कर रहे हो? वो मेरी दोस्त है। गुड। अच्छा? या। गेट अप। इस बिल्डिंग से बाहर निकालो। मैं जो कुछ भी बताऊं उसे ध्यान से सुनना। इस शहर के टॉप ऑफिशियल्स व्हाइट फील्ड वॉचर्स के साथ मिलकर एक साजिश रच रहे हैं। ओके। ये ब्लड सैंपल मैंने मेयर के शरीर से लिया था, जैसे उसे मैंने गोली से मारा था। क्या तुम्हें ये नॉर्मल ब्लड सैंपल लगता है? मैं स्मोकिंग करता था, लेकिन क्या तुमने कभी मिस्ट्री ऑफ साइंस सप्लीमेंट्स के बारे में सुना है? मैंने अभी अभी मेयर को मारा है। इस शहर की पूरी पुलिस मेरा पीछा कर रही है। एक और कत्ल कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा? तो ओके, ऐसे में सोच पाना बहुत मुश्किल है जबकि तुमने अपनी गन मेरे थोबड़े से लगा रखी है, समझे तुम? इस मिशन की शुरुआत में हम लोग 20 थे, लेकिन आज सुबह तक 2 रह गए थे और अब सिर्फ मैं। अब मुझे ही कुछ करना है, तो आप अपनी बहन चुप बंद कर वरना एक गोली तेरी गर्दन पे डाल दूंगा, सुना तूने? ओके। व्हाइट फील्ड वॉटर इस पूरे शहर में बॉस्टन प्लेग को फैला रहा है। तो पानी इंफेक्टेड है? देखो, तुम जानते हो कि बॉस्टन प्लेग किसी और बीमारी से ज्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम या कोई और इस बात को बिना प्रूफ के मानेगा। प्लीज इसे लीजा तक पहुंचा देना। मैं इसे लीजा तक पहुंचा दूंगा। कहना कि इसे एनालाइज करें और इसके बारे में पूरी दुनिया को बता दे। क्या इस तरफ से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, ये रास्ता तो चिन्ह होकर जाता है, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे क्योंकि पूरा रास्ता पुलिस से घिरा हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ। इस तरफ तो पुल है। या तुमने आखिरी बार स्विमिंग कब की थी? याद नहीं मुझे, लेकिन शायद 2 हफ्ते पहले या फिर। Hey, wait! तो तुम बीमार नहीं हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसे मुझे दे दो।
मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे लीजा तक पहुंचा दूंगा। यकीन करो लीजा तक पहुंच जाएगा। हे तुम्हारे ऑफिस में आया, हम जानते हैं कि उसने तुमसे बात भी की, और तुम मुझे ये कहानी सुना रहे हो कि उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। मैं एडिटर हूँ फ्रीक पेजेस का। शायद उसने ये सोचा कि मैं एक यूएफओ बुलाऊंगा और उसमें उसे भेज दूंगा। ऑलराइट, तो जब तुम जिम के रास्ते भागने में उसकी मदद कर रहे थे तब उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ खास नहीं कहा सिवाय इसके जो कि एक किलर कहता है कि क्या यहां से भागने का रास्ता है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुशर, तुम हमेशा से इतने घटिया रिपोर्टर नहीं थे, तुम्हारी कुछ बहुत अच्छी स्टोरीज भी आई हैं। एक वक्त तो ऐसा था जब सिर्फ तुम ही तुम छाए हुए थे, और आज तुम्हारा ये हाल है। तुम तो मेरी माँ की तरह बोल रहे हो। जान दो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से तुम हारते हारते थक चुके हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे हाथ कोई बड़ा स्कूप लग जाए तो शायद तुम इसे उबर जाओ। ओ, तो ये बात है। तो तुम्हारा ये मानना है कि उस अजीब से आदमी से मेरा कोई रिश्ता था और उसके साथ मिलकर मैं कुछ ऐसा करने वाला था कि मेरा नाम अखबार के फ्रंट पेज पर आ जाए, यही सोचना है ना तुम्हारा? हा? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, गॉड डैमिट, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो। से जो कुछ भी हुआ वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। हो सकता है कि तुमने कुछ देखा हो या उसने तुम्हें कुछ दिया हो। हाँ, दी अपनी उसने। सुन, इस आदमी ने मेयर का कत्ल किया है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाँ पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन जो कुछ भी किया उसने किया। साला बैन, क्या ये झूठ बोल रहा है? लगता तो है, लगता है लैम्बर्ट ने इसे कुछ दिया है, ये कुछ छिपा रहा है। कैसे सर, घर की तलाशी हुई, ऑफिस की तलाशी हुई, कुछ भी नहीं मिला। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता ब्रेडिक? क्या? देखो इसे, कितने राज हैं इसमें, डर खौफ सभी कुछ इस प्रोटीन और मिनरल से भरे हुए बैग में तैर रहा है, क्यों है ना? या वाह, हमारे पास तो बस अब यही गवाह है। मेरा काम तो आसान तब होता ना जब मुझे पता होता कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ। थोड़ी अकल लगाओ प्रेडिक, थोड़ी अकल। क्या सिर्फ ईमानदार और मेहनती होना ही काफी है? इसे छोड़ दो। क्या? इसके भी कुछ हक हैं, क्यों है ना? लैम्बर्ट किसी और को ढूंढ रहा था? अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को बुलाना होगा। उन्होंने उस चीज की तलाश में बेन के ऑफिस को तहस नहस कर डाला। I'm sorry, पर लैम्बर्ट को अगर कुछ पता भी लगाना था तो उसने एक गलत आदमी को चुना। कभी कभी खबरें तुम तक भी पहुंच जाती हैं, और कई बार बेन के पास आते हैं। लीजा? हाय बेन, उस वक्त के लिए माफी चाहती हूँ। अच्छा? हाँ, तो तुम मेरे ऑफिस आना चाहोगे? हम बात कर सकते हैं और कॉफी पी सकते हैं।
अगर तुम ना आना चाहो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं अभी आता हूँ। Well, वो बात नहीं है, असल मुझे लगा तुमने मुझे वापस दे दी। मुझे लगा कि तुमने सब कुछ वापस कर दिया है तो मैं याद आया तुमने मुझे फोन किया था, क्या कुछ जरूरी बात थी? वो तो मैंने पुलिस से तुम्हें बचाने के लिए किया था ताकि वो सबूत के साथ हमें पकड़ ना ले। कहाँ है वो? It's safe. Safe? बस इतना? हाँ? लीजा, उस चीज के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। बहुत अच्छे, पर तुम्हारे कैरेक्टर से मैच नहीं करता। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं इसमें इंटरेस्टेड होंगी। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ये काम इसलिए किया कि मैं तुम्हें दोबारा वापस पा सकूं? ठीक है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने क्या खोया है ताकि तुम यहां मेरे साथ रह सको। गड़बड़ मैंने की तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने क्या गड़बड़ किया। आदमी ने कहा कि उसने ये चीज मेयर से ली थी। वो सही था, ये मेरे सामने हुआ। तुम वही थी? हाँ। हमें पता लगा नहीं होगा कि ये क्या है। चुप जाओ, मेरे साथ चलो लीजा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। क्या हुआ? बेवकूफ कहता। स्पर्म वॉशिंग? बेंजी, तुम यहाँ? ओ, हे। हे। वैसे यहाँ पर लड़कियाँ कम ही आती हैं। यू मीन यहाँ वो लोग आते हैं जिनके पास स्पर्म्स होते ही नहीं? अक्सर वही आते हैं। हे, वेट अ मिनट, तुम तो? हाँ, ये वही है। तो अब हम चल सकते हैं? ओके, चलें। थैंक यू। तो लीजा, आगे आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो नूट, बाकी लोग कहाँ हैं? ओह, उन्हें प्लेग हो गया था, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट उन्हें अपने साथ ले गया। उन्हें खास हॉस्पिटल्स में रखा गया है। उम्मीद करता हूँ वहाँ ठीक हो जाएंगे। But I'm still healthy. तो तुम दोनों को एक साथ देखकर अच्छा लगा? नहीं, हम लोग एक साथ नहीं हैं, बिल्कुल। ओह, तो यूं ही साथ घूम रहे हैं? नहीं, हम एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं। डूड, तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। लव स्टोरीज ऐसे ही शुरू होती हैं। नूट, नहीं। किसी ने एक आदमी से ये लिया।
वाओ, काफी खतरनाक चीज साथ लेकर घूम रहे हो, क्या है ये? इसका ताल्लुक तो मेयर से है और मुझे लगा कि शायद तुम पता लगा सकते हो कि आखिर ये चीज है क्या। देखो, उसके लिए मुझे इसे एग्जामिन करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या करोगे? वैसे रोड के पार एक कॉफी शॉप है, 15 मिनट्स। तुमने मुझे बताया कि नहीं? क्या बेन? बोलो बेन, कम ऑन, बताओ ना क्या सुनना चाहती हो। हे, क्या तुम बच्चों की बात करना चाहती हो? जिस वजह से हम अलग हुए, मेरी नाकामी बच्चों के बारे में? ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन मुझ में एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो शायद किसी ने सुना भी ना हो, लेकिन क्या जानती हो कि उन्होंने उसका नाम ही मेरे नाम पर रख दिया है, और मैं खुश हूँ कि कुछ तो है जो मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला है। ये खुशी की बात नहीं? इसमें खुश होने वाली कोई तो बात है? ओ, अच्छा, जरा बताओ तो मुझे। मुझे खुशी है कि तुमने इसका सामना किया और इसकी वजह पता लगाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं बदला। Well, शायद अब भी तुम्हारे लिए उम्मीद है। और माँ की आंख, ये क्या? ये तो बहुत अजीब चीज है। जेनोमिक्स, निकलो वहां से। हाँ हाँ, निकल जाऊंगा, लेकिन ये बताओ तुम ये लफड़े वाली चीज कहाँ से ले आए? कहा ना, निकलो वहां से। अरे बात क्या है, बताओ तो सही। कुछ लोग हैं गन्स के साथ। क्या कह रहे हो? गन्स? मैंने कहा निकलो वहां से फौरन। फाइल ले गए। समझ में नहीं आता कि वो यहां से भागा क्यों नहीं। तुम ठीक हो ना? ये क्या चीज है? मेरे पीछे पड़े हैं। जितना हो सके मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तुम्हें इस बच्चे में नहीं घसीटना चाहता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। Thank you.
के पास बस यही प्रूफ था। प्रूफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बताओ कि असली प्रॉब्लम क्या है। लैम्बर्ट ने मोशर से बात की। नहीं, नॉलेज है असली प्रॉब्लम, वो है इन्फेक्शस, वो है कंटीजियस, और अब मोशर कंटेमिनेट हो चुका है और वो सबको कंटेमिनेट कर देगा। मार दे उसे। ऑफ कोर्स, लेकिन ध्यान से। इसे वर की क्या पड़ता है, हमारा काम पूरा होने ही वाला है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें कोई नहीं रोक सकता। जब तक हम उनसे ज्यादा नहीं हो जाते, काम पूरा नहीं होगा। ये एक ईमेल है, मुझे भेजा है। क्या लिखा है इसमें? ओह, ये तो डिस्प्ले शॉट है। तो हम इसका क्या 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 कर रहे हो? मैं भेज रहा हूँ, लेट्स गो। वेट अ मिनट, हम वापस ऑफिस आ रहे हैं? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है कि जो नूट तक पहुंचा वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा? वो ईमेल ही एक इकलौती चीज है जिससे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सुनो लीजा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने वो गुप्त तुमसे चुराया था, रिमेम्बर? हाँ, याद है। पर हम कुछ घंटे इंतजार करते हैं, तब ऑफिस में कोई नहीं होगा। हम 5 मिनट में ही अपना काम खत्म कर लेंगे। ओके। Blood similar to human composition but not. One way out component CH4CONH2 like acetamide but not an astromol. Okay, acetamide है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है, कुछ कुछ अमीनो एसिड जैसा। एसिटोमाइडेन सभी लिविंग थिंग्स में पाया जाता है सिवा अर्थ के। सिर्फ एक जगह मिलता है, वो है स्पेस। और एस्ट्रो मॉलिक्यूल? नूट ये तो टाइप करने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो अगर अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है तो? प्रोटीन से बनते हैं सेल्स, मसल्स, इम्यून सिस्टम। ये तो प्लेग है। यस, एसिटामाइडेन प्रोटीन के लिए नेटवर्क में जनरल क्वेरीज रन कर रहा है। क्या ढूंढ रहे हैं? केमिकल और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। क्या फिजिकल एड्रेस है उस आईपी का? ट्रेस कर रहा हूं। ये तो क्या? मैं नहीं जानता, कोई स्पैम या फिर पॉपअप लग रहा है। कभी खबरें बेन के पास आती हैं तो कभी बेन खुद खबर बन जाता है। अरे, मैं वहां थी, बेन ने लैम्बर्ट को नहीं मारा। तुम वापस क्या करने आए? एक ईमेल लेने। हमारे दोस्त ने मेयर के ब्लड को एनालाइज किया और उसका रिजल्ट यहाँ पर भेज दिया। और? Well, लैम्बर्ट ने सोचा कि मेयर और व्हाइटफील्ड मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। किस लिए? उसका मानना था कि वो पानी के इस्तेमाल से लोगों को बीमार कर रहे हैं। लेकिन किस लिए? उनका मकसद क्या है? कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं जानता हूँ कि ये एक मिस्ट्री ऑफ साइंस जैसा लगता है, लेकिन ये एक मिस्ट्री भी है और साइंस भी है। क्योंकि मेयर के ब्लड में एक ऐसा एमिनो एसिड था जो धरती पर नहीं पाया जाता, और मुझे लगता है कि व्हाइटफील्ड के पानी में वही चीज मिली हुई है जो मेयर के खून में पाई गई थी। तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि मेयर का ताल्लुक इस दुनिया से नहीं था, और उसने ऐसा कोई मिनरल वाटर किसी तरह से लोगों के बीच में फैला दिया जिससे कि तमाम लोग बीमार हो गए? हाँ। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। वो सबूत ले गए और गवाह को भी मार दिया। कोई और गवाह? मैं, कार्ला, मैं वहाँ थी। मैंने लैम्बर्ट को मेयर का खून लेते देखा और वो खून काला था। कितनी डरावनी बात है। और जो कुछ भी तुमने देखा उसे सबूत नहीं माना जा सकता। सोचो, कोई और गवाह, कोई और सबूत, कोई भी ऐसी चीज है तुम्हारे पास? नहीं, पर हमें गवाह की जरूरत नहीं है, हमें बस पानी को टेस्ट करना है। अगर उसमें अमीनो एसिड है तो हमारे पास हजारों लीटर सबूत होगा। क्या खबर बनेगी अगर तुम दोनों पूरी तरह से पागल नहीं हो तो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा, जैसे कि मेरे घर पर, और इसी बीच में पानी को टेस्ट करवाती हूँ। गुड। देन कार्ला,
थैंक्स मेरी बात को सीरियसली सुनने के लिए। हमेशा सुनती हूँ। एंड थैंक्स फॉर द ऑफर। अगर ये सच है तो फिर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहूँगा। हाँ, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। नहीं सच में, इट्स ओके। कम ऑन, बेकार की बातें मत करो। ओके, मैं ये, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर हम लिफ्ट के पास मिले तो। बेन। कार्ला। लेकिन आप हैं कौन? ये सब बातें बाद में बेन, अभी यहाँ से निकलो। मेरा नाम कैसे जानते हो? बातें करने का वक्त नहीं है, मेरे साथ चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? ये वही है, इसी ने किया था। Are you sure? Hey, उस चुड़ैल से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो मैसेजेस भेजने के लिए भी। लेकिन एक बात की हैरानी है, वो ये कि अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहते थे तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी? और मेरे हाथ पर तुमने वो क्या लगाया था? आधा शहर उस बीमारी की गिरफ्त में है। एक एलियन ने हमें खाने की कोशिश की, मेयर की बॉडी से काला खून निकला। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन और ये सब बातें तुम कैसे जानते हो? इसलिए क्योंकि मैं उनमें से एक हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एक जैसे हैं। तो हमें यहाँ क्यों लाए हो? ताकि तुम्हें उन लोगों से मैं बचा सकूं। यानी उनके हमले से? ये कोई हमला नहीं है, हम यहाँ तादाद बढ़ाने आए हैं। तुम सालों कर क्या रहे हो? नीचे रखो वो सब, किसी चीज को हाथ मत लगाओ। हेलो पेडेक। कैप्टन, आप यहाँ पर ताज्जुब है? मैं यहीं पास में ही था, मेरे इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी है। अच्छा, पर्सनल इंटरेस्ट, और वो भी प्रोटीन और मिनरल्स के बैग में? मिस्टर मोशर तो तुम्हारे हाथ से फिसल गए। या, पर ज्यादा दिन तक नहीं। ओके, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम होता है कि वो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करें। ये केस मैंने अपने हाथों में ले लिया है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट ग्राउंड्स? नाकामी, बस एक गलती बताओ। देखी तो नहीं है मैंने कोई। तुम्हारी उम्र का आदमी अभी भी सिटी हॉल में फील्ड जॉब करता है, इससे तुम्हें क्या लगता है? ये कि मेरी उम्र का आदमी क्लर्क की बजाय एक पुलिस वाला भी हो सकता है। इस शहर में और भी बहुत से क्राइम हो रहे हैं, बिजी होने का बहाना ढूंढ लो। फॉरेंसिक रिपोर्ट तो आने दी होती। सुनो, इस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हारा सीनियर हूं ब्रेडिक, तुम्हें ऑर्डर मानना होगा। कानून ये कहता है कि मुझे आपके ऑर्डर्स मानने होंगे। सर, मेरे जाने न जाने से क्या होता है? तुम उन्हें रोकने में नाकामयाब रही, तुम्हारी गलती से वो सब निकल गए। सिर्फ दो लोग, वो लोग क्या कर पाएंगे? दो, चार, सोलह, ये गिनती बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है वो क्या जानते हैं, ये जानना ज्यादा जरूरी था। और मैलकम को भी मेरी वजह से सामने आना पड़ा। जिसका मतलब ये हुआ कि मैलकम वापस आ चुका है, तो क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? मैं समझती हूँ, पर
हमारे पास एक मौका है। ऑफिस में मोजर का एक दोस्त भी है जो मेरी बहुत इज्जत करता है, और उसकी मदद से मैं उन तक पहुंच जाऊंगी, और मोजर, वो लड़की और मैलकम सब एक साथ मिल जाएंगे। क्या होगा अगर वो दोनों तुम्हारे पीछे लग जाएं? तो उन्हें प्रूफ चाहिए। वो पानी टेस्ट कर सकते हैं। या वो लोगों को बताएंगे कि पानी में मौजूद अमीनो एसिड खतरनाक है, या वो तुम्हारी स्किन उतार कर सबके सामने साबित कर सकते हैं। मुझे कभी भी कम समझने की बेवकूफी मत करना। देखते हैं। बेवकूफ तुम थी जिसने मुझे समझने में गलती की। ब्रैडक, मुझे पिछले 6 घंटों की ट्रैफिक कैमरा की टेप्स चाहिए। टाइम कुछ भी हुआ, उस बैकपैक को उठाओ। मेरे प्लेनेट की एक प्रॉब्लम थी, और वो थी ओवर पॉपुलेशन। और वो प्रॉब्लम तुम हमें दे रहे हो। मैंने कहा था कि तुम्हारी इस दुनिया को हम छोड़ दें, लेकिन व्हाइटफील्ड ने मेरी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या कर सकते हैं? तुम लोग यहाँ कितनी तादाद में हो? फिलहाल तो कुछ ही हजार हैं। और भविष्य में? वेल, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो नौबत ही ना आए, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहा था मिस्टर मौशा, इसीलिए मैंने तुम्हारा खून लिया और तुम्हें यहाँ लेकर आया। क्या तुम्हें पता है कि तुम जेनेटिकली सबसे अलग हो? थोड़ा बहुत। हमने तुम्हारे हेल्थ क्लब में सभी को एसिटामाइडिन की एक डोज दी थी, सभी बीमार पड़ गए सिवा तुम्हारे। तुम हमें बीमार क्यों कर रहे हो? वेल, एसिटामाइडिन को तुम्हारे इकोसिस्टम में फैला देने से तुम्हारी दुनिया हमारी ब्रीडिंग के लिए एक अच्छी जगह बन जाने वाली थी। यानी ये बीमारी उसका साइड इफेक्ट है? वेल, अंडों को हैच करने के लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए, और एसिटामाइडिन तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। प्रॉपर कंडीशन? ये अंडे हैच कहाँ करते हैं? क्या हमारे अंदर? हम तुम्हारे होस्ट हैं। व्हाइटफील्ड के पानी को डिलीवरी सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी के जरिए ये बीमारी दूर तक नहीं फैलाई जा सकती, लेकिन तुम्हारा फूड नेटवर्क तो कमाल का है। सेब आते हैं न्यूजीलैंड से, मछली ओरिएंट से, चीज यूरोप से, संतरे फ्लोरिडा से। हम इन चीजों को पैक करते हैं और सस्ते माल को खरीदने की इंसानी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और इस तरह एसिटामाइडिन को तुम लोगों के बीच फैला देते हैं। ओह माय गॉड, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इम्यून कैसे हुए, फिर वैसा ही वायरस बनाकर तुम्हारे लोगों में फैला देना चाहता हूँ, और जब तुम लोगों में से ये बीमारी खत्म होने लगेगी तो मेरे लोग सोचेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही इस बीमारी से लड़ने की ताकत हासिल कर ली है, और वो यहाँ से चले जाएंगे। अब ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब तुम मुझे ये चेक करने दो कि तुम्हारे DNA में क्या चल रहा है।
माय गॉड। जाना चाहते हो? हाँ। मोशर को बुलाओ और कहो आकर तुम्हें ले जाए। इट्स फनी, मुझे पता ही नहीं था कि बेन इतना कमाल का है। हाँ, लेकिन पूरी तरह कामयाब इक्वेशन नहीं है ये। फिर भी जो तुम्हारे बारे में मैं समझती थी उससे तो ये कहीं अच्छा है। अगर एलियंस के हमले का डर नहीं होता तो मैं इस सब में शामिल नहीं होता। मैंने तुम्हारी एनोमली पता लगा ली है। एसिटामाइडन तुम्हारे डीएनए के कॉन्टेक्ट में आते ही टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एसिटामाइडन वाली जिंदगियों के लिए जहर हो। मुझे जहर की तरह इस्तेमाल करोगे? नहीं, मैं एक एग्रेसिव राइनो वायरस लेने जा रहा हूँ गोल्ड का, और उसका डीएनए फिर से लिख रहा हूँ ताकि जो भी उसके कांटेक्ट में आए वो तुम्हारे जैसा ही हो जाए। हाँ, पर वेट अ मिनट, हर किसी को ये गोल्ड कैसे हो पाएगा? सबको होगा कुछ ही महीनों में। तुम इस दुनिया के हर इंसान के अंदर थोड़ा थोड़ा मौजूद रहोगे, या यूं कहें मिस्टर मॉशर कि तुम मेरी बनाई हुई स्पीशीज बन जाओगे। तुम्हारे जैसे बहुत सारे, लेकिन तुम सबको नहीं जान पाओगे। हाँ, लेकिन अगर तुम सभी को इन्फेक्ट कर सकते हो, मेरा मतलब सभी को, तो मेरी बात तो छोड़ो, अगर तुमने हमारी पूरी स्पीशीज को बच्चा पैदा करने के नाकाबिल बना दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब मैंने तुम्हारे हाथ से मैरो लिया था तो जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो ये थी कि तुम्हारे 15th क्रोमोसोम में कुछ इन्वर्टेड कॉन्डोन्स हैं, जिसे मेरे वायरस किसी भी तरह बदलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और मैं उसी की नकल तैयार करता चला जाऊंगा। एक आसान इलाज। हाँ, पर वो अच्छा, राइट? या नूट, मैं बस ये कह रही हूँ, अगर मालकम को तुम्हारी जरूरत हुई, उसने मेरा आधा बोन मैरो तो ले लिया, मेरे पास बचा ही क्या है देने को? अगर ये पे चाल देखो, देखो नूट मेरा दोस्त है, ओके, उसे मेरी मदद चाहिए। जब मेरे पास कोई नहीं था तो उसने मुझे सहारा दिया था। You mean जब हम साथ नहीं थे? हाँ। ए, जानती हो मुझे किस पर विश्वास नहीं होता? किस पर? कि हम एक एलियन की कार चुराने वाले हैं। मिस्टर मोशर, मुझे आपके थोड़े और डीएनए की जरूरत पड़ने वाली है। मिस्टर मोशर, मिस वॉरेस, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। यहाँ आकर अच्छा किया। वॉट फॉर नेक्स्ट? नहीं नहीं, बीमार मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। मेरी तबीयत कल से बिगड़नी शुरू हुई। तुमने यहाँ पर अच्छा किया। आ,
What one? Sorry, patience only. मैं उसके साथ जा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मुझे अंदर अकेले ही आना पड़ेगा। hey, हम यहाँ साथ साथ आए थे और साथ साथ ही बाहर जाएंगे। मुझे मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। Come on, let's go. लूट। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पर स्किन में क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तुम आ गए। hey, दोस्त कब काम आएंगे? देखो मुझे माफ करना, I'm sorry man। गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। हाँ पर तुम भी मेरी वजह से फंस गए हो। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ये कोई रैश नहीं है। hey, ऐसा मत करो। Come on. माफ करना, मेरे जरिए उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है। अब जल्दी से ये बताओ कि मैलकम ने तुमसे क्या कहा? हम खाने के बारे में जानते हैं, हम पानी के बारे में जानते हैं, हम तुम्हारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी जानते हैं, और ये सब तुम लोगों को बता देते अगर तुम यहाँ मेरे सामने ना होते तो। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बताओ मैलकम ने तुमसे क्या कहा। मैलकम कौन? क्यों कोशिश कर रहे हो जब तुम ये जानते हो कि ये सब तुम्हें बताना ही पड़ेगा? मैं नहीं जानता, लेकिन शायद मैं लोगों के भले के लिए ही यहाँ हूँ। हाँ वो तो तुम हो। तुम्हारे दोस्त ने बताया होगा तुम्हें उसने यहाँ क्या देखा। सोचो वो किस चीज से डर गया जो उसने तुम्हें धोखा देने की सोची। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे लिटिल वर्म्स के बारे में। नहीं, एक्चुअली तुम कुछ नहीं जानते। हम इसे कहते हैं ओवा पॉजिटर, एक लार्वे इंजेक्टर। हम हर होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं 50 लार्वे और फिर उसी बॉडी में इन्हें खाना और पानी दोनों मिलता है, जहां वो फलते हैं, फूलते हैं और ताकतवर होते जाते हैं। लेकिन उन 50 लार्वे में से सिर्फ ताकतवर ही बच पाते हैं। हाँ, लेकिन तब तक वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं, खाना कम पड़ता जा रहा है और अब ये इस इंजेक्टर में फिट नहीं हो पा रही। ये सब क्या है बेन? बेन छोड़ दो मुझे। ओह
बड़ी बुरी बात है। अभी तो तुम तैयार ही नहीं हो। कोई बात नहीं, जो भी लार्वा बच पाएगा वो तो और ज्यादा फिट रहेगा। अच्छा होगा कि तुम मुझे बता दो मैलकम ने क्या कहा था और वो कहाँ है, उसकी प्लानिंग क्या है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हें छोड़ भी सकते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन कभी खत्म नहीं करते वरना तुम वेस्ट हो जाओगी। हमें इस प्लैनेट को रीपॉपुलेट करने के लिए सीड स्टॉक चाहिए ना, अगर हम वापस आ गए तो। और कौन जाने, अगर तुम बता दो तो शायद तुम इस प्लैनेट के अगले एडम एंड ईव कहलाओ। कोई हरकत मत करना व्हाइटफील्ड, ऐसा मत करना। कोई नहीं हिलेगा। हिलना तुम मत प्रेडिक्ट। ऑर्डर दे रहे हो कैप्टन। क्या मैं ये समझूं कि तुम अपनी गद्दारी के लिए मुझसे माफी मांगने के लिए यहां आए हो, या तुम मुझे अपनी औकात दिखाने आ गए हो। मैं यहां जिंदगियां बचाने आया हूं। क्या ये सब तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने मेलकम को देखा था ना, वो कहता था कि मैं इम्यून हूँ और वो सबको इम्यून बना सकता है ठीक मेरी ही तरह, उनको भी जो इन्फेक्टेड हैं। ओके, ये तुम्हारे डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक म्यूटेंट, और ये एक कॉमन कोल्ड वायरस की तरह नहीं है जिसे वो बना रहा था। तो तुम समझ गए? हाँ, समझ में आ रहा है कि उसे तुम्हारे डीएनए की थोड़ी और जरूरत थी। क्या मजाक कर रहे हो? बता तो है ना क्या करने वाले हो। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। ओके, लेकिन देखना कि हमें सही चीज मिल जाए। जब मैं चलाना शुरू करूँ तो समझ लेना सही चीज मिल गई है। आ!
ओके ओके नूट, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी। डोंट वरी, मैं ठीक हूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। hey, तुम अंधे नहीं हो। जानता हूं मैं अंधा नहीं हूं। देखो, किसी एलियन ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने का टाइम नहीं है, हमें इसे लैब ले जाकर चेक करना होगा। इसीलिए हम होस्ट के कमजोर होने का इंतजार करते हैं। मुझसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। पता मैं तुम चाहता क्या था? मैं कुछ नहीं जानती। वो सामने आया या तो तुम्हारे लिए या प्रमोशन के लिए, वो कुछ तो चाहता था। तुम्हें मैलकम को मारने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए था। पर तुम हो ना बताने के लिए। तुम्हारे अंदर कोई मौजूद है जो तुम्हें ठीक कर देगा। बहन। हाँ बोलो। बहन बोलो। कुछ दिख नहीं रहा है। मैं कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम एक एहसान कर सकते हो? तुम किस चीज का पता नहीं लगा पा रहे हो, बोलो। मैं सोना चाहता हूं। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? हमेशा के लिए। ए, ऐसी बातें मत करो। हाँ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा क्या हश्र होने वाला है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे ना। उधर उस तरफ दीवार में लगी कैबिनेट में कुछ कंप्रेस्ड गैसेस हैं, अगर तुम उन्हें मिला दोगे तो यहाँ एक जोरदार धमाका होगा। प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। क्या तुम अपने आप को धमाके में उड़ाना चाहते हो? तुमने ये सब शुरू किया। उन्हें लगता है कि मैं परफेक्ट होस्ट मटेरियल हूँ और मुझे उन्होंने अपने एग फार्म पर भेज दिया। मुझे आजाद कर दो। बोलो ना, अब तुम क्या कहते हो? मैं कहूंगा बूम। ओके। ट्यूबिंग, मुझे ट्यूबिंग नहीं मिल रही। बड़ी, बता सकते हो वो कहाँ है? नूट, यहां पर था।
अगले 40 मिनट में नए होस्ट हैचरी में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। क्या उन लोगों की लिस्ट बना ली है? बिल्कुल। कुल मिलाकर कितने हुए? 6715। ये तो बस शुरुआत है, असली मजा तो 3 जनरेशन के बाद आएगा। ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर से हटाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं जिंदा हूँ। क्या क्या कहना चाहती हूँ? इस फ्लूइड से ही एक होस्ट जिंदा रह सकता है। हाँ, जिससे ये बग बड़ा और ताकतवर होता जाता है। लोअर मोर्टालिटी रेट। मुझे भी इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन बग्स बाहर निकल कर मर गए। शायद यही वजह थी कि मेलकम ने मुझे चुना, क्योंकि मैं न सिर्फ इन बग्स के इम्यून हूँ बल्कि इन सब के लिए टॉक्सिक भी। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम स्पेशल। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम लोग शायद किसी डिलीवरी सिस्टम से जुड़े हुए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इससे निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या? मेरा खून। गॉड, लेकिन तुम बहुत टॉक्सिक हो। हाँ, लेकिन लीजा, क्या हुआ अगर मैं टॉक्सिक हूँ तो? मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए तो नहीं आया ना? हम यहाँ साथ साथ आए थे और हम यहाँ से जाएंगे भी साथ साथ।
fall in love? Yes. One second, please. एक और न्यूज चैनल आपके नए ऑर्गेनिक्स लॉन्च के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। ओ, तुम बात करो, मैं तो नए मेहमान का स्वागत करने के लिए आया हूँ। वेलकम द न्यू जेनरेशन। वेल, यस, नाउ मे आई हेल्प यू? ऑफ कोर्स, मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। बिल्कुल, ठीक है, मिस्टर व्हाइटफील्ड को ये पसंद आएगा। तो कल सुबह इंटरव्यू। मुझे लगा कि तुम तो हाँ, मुझमें बहुत छोटे बॉम्ब थे और बाहर निकलने का डर लग रहे थे। अब बेहतर महसूस कर रही हो? नहीं, आई फील लाइक हेल, और ये एक इम्प्रूवमेंट है। तुम यहाँ से निकलना चाहोगी? श्योर, पर तुम्हारा प्लान क्या है? हम इस जगह को धमाके से उड़ा देंगे। चलो। बहुत खुश होगी तुम, ठीक हो? Oh!
अफवाहें उड़ रही हैं कि व्हाइटफील्ड इंडस्ट्री बोस्टन में हुए हालिया धमाके की वजह से सैकड़ों प्लेग विक्टिम्स को वहां से निकलने में मदद मिली। एक अजीब से बयान में वहां से निकले लोगों का दावा है कि वो एलियंस की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए थे, लेकिन ऑफिशियल्स ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि प्लेग के साइड इफेक्ट्स की वजह से अक्सर ऐसे इल्यूजन्स होते रहते हैं। ये एक इत्तेफाक की बात है कि नेब्रास्का में मौजूद व्हाइटफील्ड फैसिलिटी में ठीक ऐसा ही एक धमाका हुआ है। गुड बाय व्हाइटफील्ड आयोवा। तो अब बाकी के दिन क्या करने का इरादा है? Well, अभी हमें और 5 वाटर प्लांट्स पे जाना है रोड्स के जरिए। ओके, पर अगर एक डेस्टिनेशन और हो तो? ये रेसिंग विस्कॉन्सिन की क्या खासियत है? यहाँ जाकर हम एक धमाकेदार हनीमून मना सकते हैं, क्या ख्याल है? और नैनोस्प्लाइस जेनेटिक्स, जहाँ क्रोमोसोम 15 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसने कहा था ना इसका इलाज आसान है। I'm driving.